स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के लिए मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इस पॉलिनोमियल्स में हमने कहा था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ टर्म के अनुसार से उनके नामकरण, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो डिग्री के अनुसार से उसका नामकरण क्या होगा। डिग्री अगर एक हो, जैसे लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका अर्थ होगा कि इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री एक होगी। माने लीनियर पॉलिनोमियल्स वह पॉलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री एक हो, पावर एक हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका ax + b। ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक ही समझा। उसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल का डिग्री मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और डिग्री 2 नहीं रहेगी, 2 रहेगी तो इसका इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। उसके बाद होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 3 रहेगी, और इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 4 होता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx³ + cx² + dx + e। हमें मैक्सिमम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही इस चैप्टर में पढ़ना है, तो फिर एक बार रियाज करें। इसमें इसका पावर कितना है? एक है। इसका डिग्री कितना है? एक है। इसीलिए इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, इसीलिए इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है? वेरिएबल का पावर 3 है मैक्सिमम, माने डिग्री 3 का पॉलिनोमियल्स है ये, और इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें पावर कितना है? 4 है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे एक और आता है, वह है जो कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है। 0 होते हैं जैसे 5 है, 8 है, -7 है। इसमें सब में क्या है? एक्स के पावर कितना है? 0। यहां भी एक्स के पावर कितना है? 0। या यहां भी क्या है? एक्स के पावर 0 है, इसलिए इसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यदि पावर 0 हो तो उसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, एक हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, और 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ के बारे में हम लोग परिचित होंगे।